आज के हमारे इस कैलकुलेशन में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं डेट का फॉर्मूला। डेट का फॉर्मूला हमारा आज की टॉपिक है और डेट के फॉर्मूले में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम डेट की कैलकुलेशन करते हैं, राइट? डेट की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं? देखिए, डेट की कैलकुलेशन ऐसे तो बहुत सारे बोलते हैं कि बहुत लेंदी है, बट लेंदी नहीं है, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। सबसे पहले आपको डेट टाइप करना जानना होगा कि सिस्टम का डेट आप कैसे टाइप करेंगे। आपके सामने यहाँ डेट लिखा हुआ है, तो जो है डेट का फॉर्मेट आपको रीड करना होगा कि डेट का फॉर्मेट क्या है, जो आपका सिस्टम डेट फॉर्मेट होता है। तो मेरा सिस्टम डेट फॉर्मेट है DDMMY। आज का डेट मुझे अगर डालना है 20/9 करेंगे और यहाँ पे एंटर मारेंगे तो आज का डेट आ जाएगा। अब इस डेट के ऊपर आप अपना फॉर्मेटिंग जो है, जैसे मैंने कंट्रोल शिफ्ट हैश किया तो यहाँ एक फॉर्मेट आ गया, तो आप अपने हिसाब से जो भी फॉर्मेटिंग रखना चाहे रख सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कब होती है? जब डेट का डिफरेंट फॉर्मेट होता है। जैसे मेरा मान लीजिए मैंने डेट लिखा यहाँ पे एक जनवरी डाला, 7 जनवरी, सॉरी 7 जनवरी, क्योंकि हमने डेट टाइप कैसे किया था, हमने डेट टाइप किया था 7/1, तो 7 हमारा डेट हो गया, 1 हमारा मंथ हो गया, क्योंकि मेरा एमएम नहीं है, एमएम डीडी नहीं है, डीडी एमएम है, पहले डेट फिर मंथ है, क्योंकि मेरा इंडिया रीजन सिलेक्टेड है। लेकिन मोस्टली कंप्यूटर में आपको जो सिलेक्टेड होता है यूएस रीजन, तो वहाँ पे क्या होता है एमएमडीडी, तो 7 मंथ हो जाएगा, मतलब कि ये डेट आपके सिस्टम पे हो जाएगा 1 जुलाई। तो ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए अगर किसी को डेट भेजना है तो डेट फॉर्मूला में भेजें कि डेट 2022 कॉमा मंथ हो गया हमारा और डे हो गया, डेट हमारा सेट। एंटर प्रेस कीजिए, आप किसी भी डेट पे जाएगा तो अपना सिस्टम का जो फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग डेट यहाँ दिखाएगा। तो यहाँ इसको सेपरेट करने के लिए हमारे पास ईयर है, ईयर के फॉर्मूला से इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, मेरे पास मंथ है, मंथ के फॉर्मूला से इसको सेपरेट कर लेते हैं, और हमारे पास डे है, डे के फॉर्मूला से इसको सेपरेट कर लेते हैं, फिर वापस डेट का फॉर्मूला से हम तीनों को कंबाइन करते हैं, मंथ ईयर एंड डे एक कंबाइन हो जाता है। तो आप ऐसे से अलग कर सकते हो, इसका यूज हम आगे करेंगे। सिस्टम डेट के लिए आपके पास टुडे का फॉर्मूला होता है, एक नाउ का भी फॉर्मूला होता है, लेकिन वो डेट एंड टाइम दोनों दिखाता है। अब मान लीजिए सिस्टम डेट में मुझे 20 दिन जोड़ने हैं, हमें क्या करना है, 20 दिन जोड़ने हैं, तो मैं यहाँ डेट प्लस इसको 20 कर देता हूँ, तो देखिए 20 दिन यहाँ ऐड हो जाता है, क्या ऐड हो जाता है, 20 दिन ऐड होता है। तो डेट को ऐड करने के लिए जस्ट आपको 20 प्रेस करना है, डेट आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। और इसके पास यहाँ पे 2 साल 4 महीने और 22 दिन हम लिखते हैं, और यहाँ पे हम देते हैं फॉर्मूला डे का, अच्छा सॉरी डेट का। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं अगर सिर्फ मंथ ऐड करना हुआ तो, मतलब कि आज के इस डेट में अगर मुझे मंथ ऐड करना है तो क्या करेंगे, तो उसके लिए कुछ नहीं, आपको इसमें 3 महीना ऐड करना है, तो आपको यहाँ पे ई डेट का फॉर्मूला लगाना होगा, किसका फॉर्मूला, ई डेट, इसको सिलेक्ट कीजिए, कॉमा 3 को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कीजिए, यहाँ पर देखिए ई डेट का फॉर्मूला आपको दिख जाएगा। लेकिन मुझे ऐड करना है तो यहाँ हम लिखेंगे डेट का फॉर्मूला, तो मुझे 2 साल 4 महीने 22 दिन ऐड करने हैं, तो यहाँ हम ईयर लेंगे और इसमें से ईयर को अलग करेंगे, इस पर हम जो है 2 साल लिख देंगे, फिर यहाँ पे हम मंथ का फॉर्मूला लेंगे, इसमें से मंथ को अलग करेंगे और इसमें 4 महीने ऐड कर देंगे, और फिर हम डे का फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें से डे अलग कर देंगे और इसमें प्लस 22 दिन ऐड कर देंगे। एंटर प्रेस कीजिए, यहाँ आ गया, और ये देखिए 11 सितंबर आपका डेट आ गया। अगर मान लो कोई महीना माइनस करना है तो आपको जस्ट 3 कर दीजिए, माइनस हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा किसी डेट में अगर कोई डेज ऐड करना है तो जस्ट यूज द प्लस सिंबल, प्लस कर दीजिए, दोनों को कोई दिक्कत नहीं है। मंथ को माइनस प्लस करना है तो आपको ई डेट का फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा,
माइनस में तो माइनस होगा, प्लस होगा तो प्लस होगा, और आपको एक ईयर मंथ डेट तीनों करना होगा, तो फिर इस डेट वाले मेथड को लेके चलना होगा, सिंपल सा। तो एडिशन हो गया, अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शंस की, कि दो डेट का बीच का डिफरेंस कैसे निकालेंगे। तो सिंपल सा, लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट करेंगे, सॉरी यहाँ पे स्लैश दब गया, लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट करेंगे तो आपके सामने नंबर ऑफ डेज आ जाएगा। हालांकि इसके लिए डेज का भी फॉर्मूला है, डेज लेटेस्ट डेट कॉमा ओल्डेस्ट डेट आपको नंबर ऑफ डेज दे देगा। अब यहाँ पे मेरे पास एक फॉर्मूला आता है डे 360 का, डे 360 भी डिफरेंस ही निकालता है, स्टार्ट डेट एंड डेट और डिफरेंस आपको निकाल देगा, लेकिन ये साल को 365 दिन नहीं 360 दिन समझता है और उसके हिसाब से अलग करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मुझे अगर दोनों डेट के बीच में नेटवर्किंग डे वर्किंग डेज निकालना है, मेरा ऑफिस सैटरडे संडे ऑफ होता है, उसके अलावा यहाँ पे कुछ ये है, कुछ डेट है, जैसे 1 जनवरी हो गया, 26 जनवरी हो गया, आपका 17 मार्च हो गया, 14 अप्रैल हो गया, 15 अगस्त हो गया, इस तरह की छुट्टी है, हॉलीडे है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे नेट वर्क डेज स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट और हॉलीडे आप सेलेक्ट कर लीजिए, हॉलीडे एंड रिप्लेस कीजिए, ये आ गया आपका नेट वर्क डेज। लेकिन सैटरडे संडे तो मेरी ऑफिस छुट्टी होती नहीं है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं हम किसका, नेटवर्क डेज डॉट INTL का, स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट, चूज द वीकेंड्स, कौन सा वीकेंड, सिर्फ संडे छुट्टी है तो संडे के 11 टाइप कर दीजिए या फिर एरो की और टैब की मदद से सेलेक्ट कर लीजिए, और फिर आपको सेलेक्ट करना है अपना हॉलीडे, जो आपका हॉलीडे लिस्ट है, ये आपका 222 दिन आ गया। तो डिफरेंस निकालने के लिए अगर दो डेट के बीच डिफरेंस निकालना है तो माइनस कर दो या डेज का फॉर्मूला लगा दो। अगर आपको दो डेट के बीच में सैटरडे संडे और पर्टिकुलर डेट को इग्नोर करना है तो नेटवर्क डेज लगा दो, सिर्फ संडे या कोई और पर्टिकुलर डेट को करना है तो आपको नेटवर्क डेज निकाल लगा दीजिए। अब बात आती है डेट निकालने का, जैसे आज के दिन में हमने एक कंप्लेन लॉग किया, कंप्लेनर बोल रहा है कंप्लेनर कि आपको 30 दिन का वर्किंग डे लगेगा, 30 दिन वर्किंग डे, सैटरडे संडे छुट्टी होती है, ये हॉलीडे है, तो कितने कौन सा डेट पड़ेगा, तो उस केस में हम लगाते हैं वर्क डे स्टार्ट डेट कॉमा नंबर ऑफ डेज एंड लिस्ट ऑफ हॉलीडे, क्या सिलेक्ट करते हैं, लिस्ट ऑफ हॉलीडे, ये आपके सामने डेट आ जाता है। लेकिन सैटरडे संडे नहीं कुछ और संडे होगा तो उसके लिए भी हमारे पास क्या है, वीक वर्क डे डॉट इंटरनेशनल, जी हाँ वर्क डे डॉट इंटरनेशनल, स्टार्ट डेट अबाउट डेज, चूज द वीकेंड्स, जैसे संडे छुट्टी है और हॉलीडे, ये आपका डेट बता देगा कि आपकी छुट्टी कब हो रही है। अब एक एग्जाम्पल यहाँ पे एक चीज और आती है, जैसे मुझे एक लिस्ट ऑफ डेट है, मतलब मैंने सेप्टेम्बर का डेट का लिस्ट ले लिया, मुझे इसमें से वीक डे निकालना है, तो मेरे पास दो फॉर्मूले, एक फॉर्मूला है वीक नम का, वीक नाम जो है नहीं मान लीजिए वीक डे बोल दिया मैंने, वीक डे का फॉर्मूला, तो वीक डे का फॉर्मूला बताता है कि साल का कौन सा डे महीन का कौन सा डे है, लेकिन डिफॉल्ट लगाएंगे तो गड़बड़ देगा, इसमें आपको सिलेक्ट करना होता है आपका वीक स्टार्ट कब से होता है, जैसे अगर वीक स्टार्ट होता है मंडे से तो हमने 2 सेलेक्ट कर लिया, तो ये दिखा देगा नंबर्स में इस तरह से, जैसे कल 19 तारीख था, कल मंडे था, वीक का पहला दिन, लेकिन मुझे टेक्स्ट में चाहिए तो वी हैव यूज्ड द टेक्स्ट फॉर्मूला, टेक्स्ट में इसको सेलेक्ट किया और बोला डी डी डी, 3 बार डी डी, जो कस्टम फॉर्मेटिंग में डालते हैं सेम थिंग, यहां डालिए आपके सामने आ जाएगा। और एक और फॉर्मूला होता है आपका वीक नम, वीक नम फॉर्मूला साल का वीक बताता है कि साल का कौन सा वीक चल रहा है, ये हमारा वीक नम फॉर्मूला। एक और प्रॉब्लम होती है किसी भी डेट का, किसी भी मंथ का लास्ट डेट निकालना, क्योंकि हर मंथ का लास्ट डेट अलग अलग होता है, तो हमारे पास ईओ मंथ का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, ईओ मंथ का,
तो ई ओ मंथ का फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और मंथ में दे देंगे जीरो, तो इस महीने की लास्ट डेट आपको निकल जाती है। तो जो भी डेट डालेंगे उस महीने की लास्ट डेट, जैसे कि आज का डेट डाल दिया तो आज का लास्ट डेट ईयर। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे डेट टाइप करूँ और इस मुझे इस मंथ का स्टार्ट डेट और यहाँ एंड डेट पता चल जाए, जैसे कि आज का डेट ही डाला। तो एंड डेट तो चलो पता है कि मैंने बताया आपको ईओ मंथ का फॉर्मूला, ईओ मंथ के फॉर्मूले से आप बना लेंगे, बट स्टार्ट डेट कैसे निकालेंगे? देखिए स्टार्ट डेट निकालने के लिए बहुत सारे लोग डेट के हिसाब से डेट का फॉर्मूला, फिर ईयर अलग करते हैं, मंथ अलग करते हैं और डेट में वन डाल देते हैं, कर सकते हो। लेकिन यहाँ ईओ मंथ भी आपको स्टार्ट डेट निकाल सकता है। आप बोलेंगे कैसे, वो तो एंड डेट निकालता है। ठीक है, समझ में आया। हम यहाँ -1 करते हैं, -1 करने पे वो पिछले महीने की लास्ट डेट देगा, मतलब कि आपको अगस्त का लास्ट डेट देगा। अगस्त के लास्ट डेट में अगर मैं +1 करता हूँ तो सितंबर का फर्स्ट डेट आएगा। तो कोई भी डेट यहाँ डालेंगे उसका स्टार्ट डेट और एंड डेट यहाँ अपने आप पता चल जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? हेलो, जी सर, समझे? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो मैंने आज डेट के बारे में बहुत ज्यादा ही फॉर्मूले बता दिए स्पीड में, हो सकता है आप लोग पता नहीं समझ नहीं पाया।